फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करते हैं मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 27 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट। यानी कि अगर हम चाहते हैं कोई काम किसी से करवाना, तो उस काम को उस पर्सन के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करें, इस तरह से बताएं कि सामने वाला खुद ही चाहे उस काम को करना, उसके अंदर उस काम को करने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने कई सारे स्टोरीज और इंसिडेंट शेयर किए हैं, जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। जो इसकी फर्स्ट स्टोरी है, उसमें बताया है कि 1915 से पहले का जो टाइम था अमेरिका के अंदर, 1915 से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांत माहौल था, क्योंकि जो उनकी नेबर कंट्री थी, जो यूरोप थी, यूरोप में और अमेरिका में एक तरह का शीत युद्ध चल रहा था, एक अशांत माहौल था, क्योंकि दोनों कंट्रियाँ एक दूसरे पर दोषारोपण करती रहती थी, युद्ध चलते रहते थे, छोटे मोटे एक दूसरे में घुसपैठ भी होती रहती थी, तो बहुत अशांत माहौल था। तो वो चाहते थे कि ये कंडीशन, ये सिचुएशन थोड़ी सुधरनी चाहिए, हमारा जो माहौल है थोड़ा शांति शांति भरा माहौल होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश पर, पूरी इकोनॉमिक पर उसका असर पड़ता है। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन। मिस्टर वुडरो विल्सन ने डिसाइड किया कि मैं अपना एक शांति दूत वहाँ पर भेजूँगा, और जो इस मामले पर बात करेगा। अब जो बात करेगा, उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो स्टेट के सेक्रेटरी थे, उनको उन्होंने शांति दूत बनाकर वहाँ पर भेजना था, और उनका नाम था विलियम जैनिंग। लेकिन विलियम जैनिंग को वहाँ पे जाना नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ जाएं। जब उनको पता चला था कि उनको वहाँ पर शांति दूत बन के जाना है, तो वो काफ़ी दुखी हुए थे। लेकिन मिस्टर विल्सन को पहले से ही पता था कि ये बात उनको दुख पहुंचाएगी, लेकिन वो चाहते थे कि वो खुद ही जाना चाहें। तो इसके लिए उन्होंने एक थोड़ी सी ट्रिक रची। उन्होंने क्या किया, मिस्टर विल्सन, वो विलियम जैनिंग थे, उनके एक फ्रेंड थे जो ह्यूमन रिलेशंस में बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन थे, उनको बात करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक, वो टैक्टिक थी, वो काफ़ी अच्छी तरह से बात करते थे, बातों को घुमाना उन्हें आता था। तो उन्होंने उस बंदे को कहा कि तुम्हें ये खबर मिस्टर विलियम को बतानी है कि वो यूरोप जाएंगे शांति दूत बनकर अमेरिका की। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब मिस्टर उन बंदे का नाम था जो उनको असाइन किया था कि वो विलियम को बताएंगे, उनका नाम था कॉलोनेल एडवर्ड। मिस्टर कॉलोनेल एडवर्ड ने जब वो मिस्टर विलियम के पास गए, मिस्टर विलियम जैनिंग के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप, मिस्टर प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है कि आप वहाँ पर उनके शांति दूत बन के जाएँ। तो फर्स्ट बार जब उन्होंने ये बात सुनी, तो सीधी सी बात, उनको दुख हुआ, वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतने अशांति भरे माहौल में वो वहाँ जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, किस तरह से उनका स्वागत होगा, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में घूम रही थी। फिर उन्होंने, मिस्टर कॉलोनेल ने एक बात कही कि एक्चुअली वहाँ पे जाने के लिए मैंने खुद डिसाइड किया था कि मैं जाऊँ, मैंने खुद प्लान किया था, क्योंकि मैंने डायरी में डेट भी लिख रखी है कि मैं वहाँ पे खुद जाना चाहता था और इस मामले पर बात करना चाहता था। मैंने प्रेसिडेंट से इस बारे में बात की, तो प्रेसिडेंट ने मुझे जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये जो शांति दूत बनने का जो काम है, जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो भी जाएगा, ये एक बहुत ही खास इंसान होगा, क्योंकि उस पर पूरे नेशन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग, सब लोगों की नज़र उस बंदे पर होगी कि आखिर वो क्या बात कहेगा, कैसे कहेगा, किस चीज़ के बारे में बातें होंगी। ये सारी बातें पूरी दोनों कंट्रियों के जो लोग हैं उनके दिमाग में भी घूम रही होगी, और दोनों कंट्रीज़ के जो मेन पर्सन हैं, जो डिसीजन मेकर पर्सन है, उनकी बातों पर भी, उन इस इंसान की बातों का बहुत तगड़ा इफेक्ट होने वाला है। तो हम किसी भी पर्सन को ऐसे ही उसकी इच्छा के अनुसार नहीं भेज सकते, हमें इस काम के लिए एक खास इंसान होना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है।
और मिस्टर विलियम एक खास पर्सन है जो ये काम कर सकते हैं। जब मिस्टर कॉलोनन ने ये बात मिस्टर विलियम से कही तो उसको ऐसा लगा कि वो एक सचमुच इस काम के लिए, ये जो जॉब है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब है, और इस इम्पॉर्टेंट जॉब के लिए वो एक खास इम्पॉर्टेंट स्थिति रखते हैं, एक पोजीशन रखते हैं, और पूरी कंट्री की वो शान के रूप में जा रहे हैं, मतलब एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी कंट्री को, दोनों कंट्रीज़ की निगाहें उन पर गड़ी होंगी, सारे लोग उनको अटेंशन मिलेगी उनको, तो उनको खुद लगा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा मौका है खुद को साबित करने का, सामने जाने का, अपनी बात रखने का। तो वो उन्होंने खुद कहा कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, मैं अपने देश के लिए सब कुछ करूंगा। इस तरह से वो गए, खुद उनकी इच्छा जाई कि हाँ मैं जाऊं, और वहाँ पर जाकर उन्होंने सचमुच कमाल कर दिया, और उनकी बातों से दोनों देशों में शांति कायम हुई। अब जो मिस्टर वुडरो विल्सन थे वो सचमुच इस टेक्निक का आगे भी उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने जब कैबिनेट बनाई थी अपनी, तो उनको अपनी कैबिनेट में कई लोगों को मतलब एज ए मेंबर इन्वॉल्व करना था। तो एक मेंबर थे जिनका नाम था मिस्टर विलियम मैकांडू, वो चाहते थे वो पर्सन उनकी कैबिनेट के मेंबर बन जाए, तो उनके लिए भी उन्होंने इसी तरह की कुछ टेक्टिक रखी थी कि उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर आप हमारी मेंबर हमारे कैबिनेट में जो हमारी ट्रेजरी है उसके सेक्रेटरी बन जाए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है, आपकी जो इमेज है, वो हमारी कैबिनेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, हमारे कैबिनेट के बाकी मेंबरों को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, और आपकी वजह से हमारी कैबिनेट का बहुत नाम होगा, क्योंकि आपकी आपका बहुत नाम है। जब उन्होंने मिस्टर मैकांडू ने ये बात सुनी तो सीधी सी बात है उसको भी लगा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उन्होंने उनकी कैबिनेट ज्वाइन कर ली। लेकिन जो मिस्टर वुडरो विल्सन थे वो हमेशा से इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते आए थे। उन्होंने स्टार्टिंग में किया, जब उनकी कैबिनेट बनानी थी उनको, तब उन्होंने ये फार्मूले का यूज़ किया, तो उनकी कैबिनेट में काफ़ी अच्छे अच्छे काफ़ी रिनोल्ड पर्सन थे जो अपने टाइम में काफ़ी वैल्यू रखते थे, काफ़ी रिस्पेक्टफुल थे। लेकिन जब उन्हें अपनी नेशनल लीग में पार्टिसिपेट करना था तब उन्होंने अपने उन मेंबरों की कोई वैल्यू नहीं की, उनके साथ कोई तालमेल नहीं बिठाया, वो उनकी एडवाइस को, उनके आइडियाज़ को पूरी तरह से नकार देते थे। वो उनको ये एहसास दिलाते थे जो ये कैबिनेट है ये उनकी है ही नहीं, ये जो कैबिनेट का आइडिया है ये मिस्टर वुडरो का है। तो अब धीरे धीरे करके जो उनके कैबिनेट के मेंबर थे वो उनसे अलग होने लगे, खींचने लगे, और फिर उसके बाद मिस्टर वुडरो ने बहुत सारे अननोन पीपल को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया, और कि उसका नतीजा क्या हुआ, वो नेशनल लीग में शामिल नहीं हो पाए, उनकी कैबिनेट बिखर गई, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, उनका पूरा पूरा करियर बर्बाद हो गया। जब करियर बर्बाद हो गया तो उनकी हेल्थ भी बिगड़ने लगी, और हेल्थ जब बिगड़ने लगी तो उनकी लाइफ भी शॉर्ट रह गई, यानी कि वो कुछ टाइम के बाद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और ये सब इसी वजह से हुआ कि उन्होंने जो फार्मूला स्टार्टिंग में आजमा रहे थे कि हर बंदे से अगर काम निकलवाना है आपको तो कुछ इस तरह से बोलें कि सिचुएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, इस तरह से बताएं कि सामने वाला उसको करना चाहे, उनके साथ तालमेल बिठाना ज़रूरी होता है। लेकिन मिस्टर वुडरो ने ऐसा नहीं किया, और अमेरिका की जो हिस्ट्री हो सकती थी अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज अमेरिका की जो हिस्ट्री है वो बदल चुकी होती। तो ये था फैक्ट कि अगर आप किसी से काम निकलवाना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा कि सामने वाला खुद उस काम को करना चाहे और आपको सहयोग दे। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। उस नेक्स्ट स्टोरी में क्या था, मिस्टर वाइन थे, मिस्टर वाइन जहाँ रहते थे वहाँ पर उनको टोकरी में जो पीच होती हैं, पीच को इकट्ठा करके वो मतलब जो पेड़ होते हैं, पीच गिर जाती थी पेड़ों से नीचे गिर जाती थी, और रास्ते में आने जाने वाले जो घूम रहे होते थे उनको वो दिखती थी, उनको उठानी पड़ती थी। तो वो क्या कर उन्होंने क्या किया कि मिस्टर उसको जो एक लड़का था जिसका नाम था जेफ,
उसको एक काम सौंपा कि तुम ये टोकरी लो और इस टोकरी में तुम जितनी भी पीच होंगी जो पेड़ों के नीचे से गिर रही है वो उठाकर इस टोकरी में तुम्हें रखना है और एक जगह पे रख देना। अब ये काम करना जो लड़का था वो जैफ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो आधी उठाता था आधी रखता था, उठाता था रखता था, उठाता रखता था। और उसका नतीजा क्या निकला कि जब जब भी बाकी लोग जो टहल रहे होते थे वहाँ से गुजरते थे उनको जब भी पीछे दिखती थी उनको उठाना पड़ता था उन्हें, यानी कि जो काम था वो आधा अधूरा हुआ था। अब मिस्टर वाइन ने एक आइडिया निकाला कि इस लड़के से काम करवाना है लेकिन ऐसे करवाऊँ कि इसको काम करने में मज़ा आए और इसको अच्छा लगे। तो उसने उन्होंने कहा कि मिस्टर जैफ, बेटा जैफ एक बात सुनो, ये जो टोकरी तुम मुझे देते हो, तुम इसमें भर के लाते हो जो पीच के भर के लाते हो पेड़ों के नीचे से, लेकिन तुम अच्छी तरह से नहीं भरते। अगर कैसा हो अगर तुम जो भी टोकरी भर के लाओ वो टोकरी के हर टोकरी के मैं तुम्हें $1 पे करूँ। तो वो खुश हो गया कि $1 मिलेंगे हर टोकरी जो भरी टोकरी तुम दूंगा, तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन उन्हें दूसरी कंडीशन रखी कि दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी तुम मुझे एक टोकरी लाकर दोगे उसका $1 तो मैं दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई भी पीच किसी भी पेड़ के नीचे मिली तो वो डॉलर तुमसे वापस ले लूंगा। अब उसने कहा कि अच्छा तो ओके ठीक है। अब उस लड़के को ये एक्साइटिंग लगा कि अब वो जब उठाता था पीच को तो वो आधा अधूरा काम नहीं करता था, वो सारी चीज़ें देखा था कि एक भी पीच रह ना जाए पीछे से, कि हर पीच रख, क्योंकि अगर कोई पीच रह जाएगी उसके पास से तो सीधी सी बात है उसका हाथ का डॉलर निकल जाएगा। तो अब मिस्टर वाइन के लिए ये बहुत अच्छा हो गया कि उसको $1 देना तो पड़ा, लेकिन उसको बाद में कोई भी पीच उसको बाद में नहीं मिलती थी, आने जाने वालों के लिए रास्ता क्लियर रहता था। तो ये था सेकंड स्टोरी कि चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इस तरह से बताया कि सामने वाले को खुद ही इंटरेस्ट आया उस काम को करने में। अब पढ़ते हैं थर्ड स्टोरी की तरह। थर्ड स्टोरी में क्या था, मतलब स्टोरी नहीं छोटा सा किस्सा है कि उसमें एक बंदे को कई जगह से इन्विटेशन मिलते थे कि आप यहाँ, सपोज संदीप महेश्वरी है उनको लेके चलते हैं कि संदीप महेश्वरी को बहुत जगह से इनविटेशन आते हैं कि आप यहाँ पर सेमिनार कर लो, आप यहाँ पर हमारा ये मतलब फंक्शन अटेंड कर लो, आप यहाँ पर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बन जाओ, आप हमारे स्कूल में आ जाओ, आप हमारे कॉलेज में आता हो, आप यहाँ पर हमारे फंक्शन कर लो। तो इस तरह से बहुत सारे इन्विटेशन आते थे। अब वो बंदा इतना परेशान, अब मिस्टर महेश्वरी जी को इतने सारे इन्विटेशन आएंगे तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो चाहते नहीं थे कि वो उन बंदों को मना करें कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वो उन लोगों का जो उसको रिस्पेक्टफुली तरीके से बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की और कहा कि मेरे पास एक और स्पीकर है जो तुम्हारे इस फंक्शन के लिए, इस ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बनेगा, जो मेरी जगह पे आ सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन ये बंदे आपके लिए पूरा परफेक्ट रहेंगे। अब उन्होंने सामने वाले का दिल भी नहीं तोड़ा और एक सही बंदे को एडवाइस भी दे दी कि हाँ आप इन बंदे को मैं भेज देता हूँ, इनसे बात कर लेता हूँ। उस तरह से अब ये थी चीज़ों को कि किसी का दिल ना तोड़ना, चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करना कि लोग आपको पसंद करें। आई होप आपका जो इसका बेसिक पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी से काम निकलवाएं, किसी से काम करवाएं, तो चीज़ों को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, इस तरह से बताएं कि सामने वाला उसको खुद करना चाहे, खुद इसमें इंटरेस्ट लेगा और उसको इम्पोर्टेंट फील हो और सामने वाले को दुख ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।